स्वामी नारायण संप्रदाय के संबंध में आप लोगों ने जो प्रश्न किया है उसके लिए समाधान का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ कहाँ किन किन बातों पर समाधान होना चाहिए इसके लिए हमारे पूरे गुजरात के संत महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर और छोटे बड़े सभी मठों आश्रमों के जूनागढ़ इत्यादि के सभी संत महंत विचार करने में लगे हुए हैं। जगह जगह बैठकें हो रही हैं। सीधी बात यह है इसमें कि जिस कारण से विवाद पैदा हुआ है उस कारण को ही नष्ट करना चाहिए। कारण बिना तो कार्य थता नहीं। प्रत्येक कार्य ना पाछण कार्य होए कारण होए इच्छे, तो कारण को ही यदि हम दूर कर दें तो अपने आप समाधान हो जाएगा। कार्य क्या हो रहा है इनका, मूर्तियों को हनुमान जी को दास कह दिया, महादेव को पटक दिया हमारे स्वामी नारायण महाराज ने, अनुमति मांगी उन्होंने भोजन कराया उनको, इस तरह की बातों से फिर यह कह देना कि यह सब वेद व्यास जी ने लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, तो वेद व्यास जी के किस पुराण में स्वामी नारायण शब्द का प्रयोग है ये हम जानना चाहेंगे। कहीं नहीं मिलेगा। भगवान की सरस्वती की कृपा से समस्त पुराणों का अवलोकन किया गया है, कहीं ऐसा प्राप्त नहीं होता। जिस स्कंद पुराण की बात ये सब कर रहे हैं वो स्कंद पुराण आपके सामने है, वो देखिए सामने रखिए, उनका भी चित्र ले लीजिएगा, कहीं भी आप निकाल के बता दीजिए। बाद में अगर किसी ने जोड़ दिया या घटा दिया प्रक्षिप्त कर दिया उसमें तो वो अलग बात है, उसकी बाइंडिंग खोल करके उसमें जड़ा है। लेकिन हमारे पुस्तकालय इतने मजबूत हैं हजारों साल से सैकड़ों साल से, अपने गुजरात में ही बड़ौदा में जो MS विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, 100-200 साल पुराने ग्रंथ हैं उसमें, पांडुलिपियाँ हैं। हमारे यहाँ द्वारका में भी द्वारकाधीश अकेडमी है शंकराचार्य जी के द्वारा संचालित, उसमें भी स्कंद पुराण है, सारे पुराण हैं, कहीं भी शब्द प्राप्त नहीं होता है। हाँ, नारायण शब्द प्राप्त होता है, स्वामी नारायण शब्द प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, जिस शब्द का कोई अर्थ ना हो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो समाधान हो जाए, बहुत अच्छा संदेश होगा ये कि उन मूर्तियों को जिनके प्रति आपत्ति है उनको दूर कर लिया जाए, जिन ग्रंथों में इन्होंने अपना इतिहास जोड़ दिया है उसको अलग कर दिया जाए, और आगे ऐसा ना हो इसके लिए कोई आश्वासन, स्थाई आश्वासन प्राप्त हो कि आगे इनकी भी 5-6 ब्रांचें हैं, 5-6 शाखाएं हैं, तो सबके साथ समन्वय बैठा करके कोई ऐसा निर्णय लेना चाहिए ताकि आगे ऐसा ना हो। वो अपनी उपासना अपनी पद्धति के अनुसार करें, 250-300 साल से कर रहे हैं, कहाँ किसी ने आपत्ति की, लेकिन किसी देवी देवता का अपमान करके आप अपने संप्रदाय की उन्नति नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। में ही यह मंतव्य दिया कि जो मूल कारण है उसको दूर कर लिया जाए और विवाद खत्म होना चाहिए। आपस में युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। हम विधर्मियों से लड़ें, धर्मांतरण रोकने में लड़ें, हम गौ माता की रक्षा करने के लिए लड़ें, और धर्म परिवर्तन लोग न करें हिंदू इसके लिए लड़ें, तो इसके लिए सबको मिलकर के आगे आना होगा। यदि हम आपस में ही लड़ेंगे तो दूसरे लोगों को बल मिलेगा, दूसरे लोग तो यही चाहते हैं कि हिंदू धर्म खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, यही प्रयास हुआ करता है, सैकड़ों वर्ष से ये कोशिश चल रही है, तो हम उनको बलवान बना रहे हैं, इसलिए ऐसा मौका नहीं देना चाहिए। सचोट समाचारों सौथी झड़पी मेड़ो माटे अमारी चैनल ने सब्सक्राइब करो।